के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा। चलिए, पूरे विश्व कप के दौरान आप और हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि सिर्फ भारतीय महिला टीम नहीं, और टीमें भी कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, खास तौर पे भारतीय टीम की तरफ रुख करकर। में पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड T20 खेला गया था इंग्लैंड के अंदर और तब मैं भी उस टीम का हिस्सा थी। भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसके बाद हम हार गए थे न्यूजीलैंड से। तब से लेके अभी तक 5 विश्व कप हो चुके हैं, जिसको अब विश्व कप नहीं कहा जाता, वर्ल्ड T20 कहा जाता है। भारतीय टीम पर नजर डालेंगे तो इस विश्व कप के लिए एक अच्छी यंग टीम है। मिताली राज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, 5 विश्व कप खेल चुकी हैं। हरमनप्रीत कौर भी 5 विश्व कप खेल चुकी हैं वर्ल्ड T20। इन दोनों के पास खासा लंबा एक्सपीरियंस है ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट खेलने का। इनके अलावा स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति जैसे बल्लेबाज। गयाना में भारतीय टीम अपना मुकाबला खेलेगी, अपने पूल बी के मैचेस खेलेगी और वो सारे मैचेस दिन में शुरू होंगे 11 बजे वेस्ट इंडीज लोकल टाइम। भारतीय कंडीशन के हिसाब से रात का समय होगा तो ऑफिस वापस जाके आप आसानी से मैच देख सकते हैं। बल्लेबाजी का क्रम स्मृति मंदाना, वेदा कृष्णमूर्ति, पूजा वस्त्रकर, जेमी मामा रॉड्रिक्स जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ रहेगा। अच्छा बल्लेबाजी क्रम है पर सभी जानते हैं कि T20 में रन नहीं बनाए तो बॉलर्स के लिए मुश्किल आ सकती है। पूजा वस्त्रकर ऑलराउंडर है जो फास्ट बॉलिंग भी करती है और अच्छा बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। इस समय इंडियन टीम इज स्पिन हेवी। 5 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं भारतीय टीम के पास और ऑफकोर्स हरमनप्रीत कौर और हिमलता दोनों चिप इन कर सकते हैं। वो 5 स्पिनर्स कौन है? एकता बिष्ट और राधा यादव दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। ऑफ स्पिनर का भार संभाला रहेगा दीप्ति शर्मा और अनुजा पाटिल ने और लेग स्पिनर छोटे कद की पूनम यादव। पेस बॉलिंग में मानसी जोशी की वापसी हुई है। विश्व कप 2017 के अंदर उन्होंने भारतीय टीम में अपना स्थान ग्रहण किया था लेकिन उसके बाद चोटिल हो गई थी, वापस आई हैं इस टूर्नामेंट से जस्ट पहले एक श्रृंखला खेली श्रीलंका के साथ। तो फास्ट बॉलिंग के अंदर अरुंधति और मानसी जोशी अलोंग विद पूजा वस्त्रकर हैं। विकेट कीपर सिर्फ एक है भारतीय टीम में, वो है तान्या भाटिया। पंजाब की युवा खिलाड़ी हैं और आजकल बल्लेबाजी में भी उनको ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी दी जाती है सिर्फ बल्लेबाजी को लंबा करने के लिए। रमेश पवार इस टीम के कोच हैं, सभी जानते हैं कि वो भारतीय टीम से खेले हैं और ऑफ स्पिनर भी रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन और उनका योगदान स्पिन डिपार्टमेंट के लिए बेहद अहम रहेगा। वो भारतीय खिलाड़ी हैं और वेस्ट इंडीज के अंदर गयाना के अंदर स्पिन का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ 9 नवंबर को। That is it.